मेरा बताया हुआ ये हेयर पैक सिर्फ 15 दिन लगा लीजिए, आपके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे घने हो जाएंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वो भी काले हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बाल कभी भी सफेद ना हो तो ऐसी समस्या आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये आपके बालों को लंबा घना करने के साथ साथ आपके बालों में नई शाइन भी लेकर आएगा। इतने आपके बाल ग्लॉसी और सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आज से पहले आपको इसके बारे में क्यों नहीं पता था। तो चलिए जान हैं इसको बनाना कैसे है। और हाँ, ये बिना टाइम वेस्ट करे अगर आप हॉस्टल में भी रहते हैं, ऑफिस गोइंग है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये रेमेडी बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे ज्यादा बनाने का कोई झंझट भी नहीं, आराम से लगाना है और वॉश कर लेना है। देखते हैं किन चीजों की जरूरत है और कैसे इसको अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको खरीदना है शिकाकाई पाउडर, रीठा पाउडर, आंवला पाउडर। अब एक कटोरी में आपको इन तीनों का एक एक चम्मच लेना है। 3 चम्मच आपने ये ले लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच या 3 चम्मच नारियल तेल। ठीक है, नारियल तेल की जगह अगर आप फिगारो का ऑयल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल, वो ले सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल लेते हैं तो भी ठीक है। अगर आप आलमंड ऑयल यूज करते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आप अपना रेगुलर ऑयल यूज करते हैं वो इसमें आप 3 चम्मच ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल इसमें डालकर अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और ब्रश की सहायता से आपने अपने बालों की जड़ों से लेकर अपने बालों की लेंथ तक इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको 1 घंटे के लिए इसको एज इट इज छोड़ देना है। 1 घंटे बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ये पैक लगाएंगे उस दिन आप शैम्पू बिल्कुल नहीं करेंगे, आप शैम्पू करेंगे नेक्स्ट डे। तो इस बात का ध्यान रख के लगाइएगा कि या तो रात को लगाएं, नॉर्मल पानी से धो लें, और सुबह अगर ऑफिस जा रहे हैं तो अपने बालों में शैम्पू कंडीशनर कर जाएं। अब बात आ जाती है मैंने इसमें आंवले का इस्तेमाल किया है तो क्यों किया है, तो मैं इसके आपको फायदे बताना चाहूंगी ताकि आप इस हेयर पैक को कभी भी इस्तेमाल करना बंद ना करें। इनफैक्ट अगर आपका बच्चा 12 साल का है या आपकी उम्र 60 साल की है तो भी आप इस हेयर पैक को लगाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चों की चाहते हैं कि फ्यूचर में बाल सफेद ना हो, लंबे घने रहें, साथ में उनमें शाइनीपन बना रहे, तो जरूर इस पैक को अपने बच्चों के सर में भी लगाएं। उनके घर सर में आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें, थोड़ी सी आपको इचिंग सेंसेशन होगी क्योंकि इसमें आंवला है जिसमें होता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, जो आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, आपके बालों की जो कोशिकाएं हैं उनको बढ़ाता है, उनमें नए हेयर ग्रोथ लेकर आता है। और अगर आपको आपके बाल जैसे बाहरी किसी चीज से डस्ट से या डैंड्रफ से डैमेज हो रहे हैं तो उनको भी ये ठीक करता है, और नेचुरल हेल्दी तरीके से आपके बालों को ग्रोथ करता है, आपके सफेद बालों को काला करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड करा है रीठा। रीठा में होता है भरपूर मात्रा में आयरन और लो तत्व, जो आपके बालों को बहुत अच्छा करता है। आयरन बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, आयरन आपके बालों को सफेद होने से रोकता है। इसमें सभी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत जल्दी यानी फास्ट कर देते हैं, और आपका जो बाल आता है वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो जल्दी टूटता नहीं है। तो अगर आप कितना भी हेयर फॉल हो चुका है, गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, तो ट्रस्ट मी एक बार इस आसान सी रेमेडी को, इस हेयर मास्क को अप्लाई जरूर करें हफ्ते में 2 बार। शीकाकाई का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है, क्योंकि शीकाकाई जो होती है आंवला और रीठा के गुणों को बालों में सोखने में मदद करती है। मतलब जो हमें आंवला से और रीठा से फायदा मिल रहा है उसके गुणों को ये जल्दी एब्जॉर्ब करवाती है, और शीकाकाई जो होता है एक कंडीशनर की तरह, एक शैम्पू की तरह काम करता है, जो हमारे बालों में से फंसी गंदगी को, स्वेटिंग को, कोई भी इन्फेक्शन को बाहर निकालता है, और ये आपके डैंड्रफ की समस्या को, 2 मुहे बालों की समस्या को भी जड़ से खत्म करती है। तो आज ये सांसी रेमेडी को यानी इस हेयर पैक को अपने बालों में लगाएं, और बालों में होने वाला फायदा मुझसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट के थ्रू जरूर शेयर करें आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें। ऐसे कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जब बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।